ये बात भी नोट करने वाली है कि आज शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और उसकी एक खास वजह है 2014 में जहां देश में 100 से भी कम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था आज 1,70,000 से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। अब कहां 100 और कहां 1,70,000। जैसे सरकार ने घर घर बिजली पहुंचाने की मुहिम शुरू की, जैसे हर घर जल अभियान के जरिए हर किसी तक साफ पानी पहुंचाने के मिशन पर काम किया, जैसे उज्ज्वला योजना के जरिए गरीब से गरीब आदमी के घर में भी गैस सिलेंडर पहुंचाया, जैसे हमने करोड़ों की तादाद में लोग बैंक अकाउंट से वंचित थे, करोड़ों लोग जो बैंक से नहीं जुड़े थे आजादी के इतने साल के बाद जनधन अकाउंट के द्वारा हिंदुस्तान के नागरिकों को बैंक के साथ जोड़ दिया, वैसे ही हमारी सरकार इंटरनेट फॉर ऑल, इंटरनेट फॉर ऑल के लक्ष्य पर काम कर रही है। साथियों, डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ने के साथ ही डेटा की कीमत भी उतनी अहम हो जाती है। ये डिजिटल इंडिया का तीसरा पिलर था जिस पर हमने पूरी शक्ति से काम किया। हमने टेलीकॉम सेक्टर के रास्ते में आने वाली तमाम अड़चनों को हटाया। पहले विजन की कमी और पारदर्शिता के अभाव में टेलीकॉम सेक्टर को तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। आप परिचित हैं कि कैसे हमने 4G तकनीक के विस्तार के लिए पॉलिसी सपोर्ट दिया, इससे डेटा की कीमत में भारी कमी आई और देश में डेटा क्रांति का जन्म हुआ। देखते ही देखते ये तीनों फैक्टर, डिवाइस की कीमत, डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा की कीमत, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हर तरफ नजर आने लगा। लेकिन साथियों, इन सब के साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ, देश में डिजिटल फर्स्ट की सोच विकसित हुई। एक वक्त था जब बड़े बड़े विद्वान, एलिट क्लास, उसके कुछ मुट्ठी भर लोग सदन के कुछ भाषण देख लेना, कैसे कैसे भाषण हमारे नेता लोग करते हैं, वे मजाक उड़ाते थे। उनको लगता था कि गरीब लोगों में क्षमता ही नहीं है, ये डिजिटल समझ ही नहीं सकते, संदेह करते थे। उन्हें शक था कि गरीब लोग डिजिटल का मतलब भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन मुझे देश के सामान्य मानवी की समझ पर, उसके विवेक पर, उसके जिज्ञासु मन पर हमेशा भरोसा रहा। मैंने देखा है कि भारत का गरीब से गरीब व्यक्ति भी नई तकनीकों को अपनाने में आगे रहता है। और मैं एक छोटा अनुभव बताता हूं, शायद ये 2007-08 का कालखंड होगा या 9-10 का, मुझे याद नहीं है। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा था जहां मैं कभी गया नहीं था और बहुत ही ट्राइबल इलाके में, बहुत ही पिछड़ा। मैं, हमारे सरकार के अधिकारियों ने भी मुझे एक बार वहां कार्यक्रम करना ही करना है, मुझे जाना है। तो वो जिला का ऐसा था, कोई कोई बड़ा प्रोजेक्ट की संभावना नहीं थी, फॉरेस्ट लैंड थी, कोई संभावना हो रही थी। तो आखिर में एक चिलिंग सेंटर, दूध का चिलिंग सेंटर, वो भी 25 लाख रुपये का। मैंने कहा भले वो 25 लाख का होगा, 25,000 का होगा, मैं खुद उद्घाटन करूंगा। अब लोगों को लगता है ना, चीफ मिनिस्टर को इससे नीचे तो करना नहीं चाहिए।
ये मुझे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं उस गांव में गया। अच्छा, वहां हमें एक पब्लिक मीटिंग करने के लिए भी जगह नहीं थी, तो वहां से 4 किलोमीटर दूर एक स्कूल का छोटा सा मैदान था, वहां पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज की। लेकिन जब वो चिलिंग सेंटर पे गया मैं, तो आदिवासी माताएं बहनें दूध भरने के लिए कतार में खड़ी थी। तो दूध का अपना बर्तन नीचे रख करके जब हम लोग गए और उसकी उद्घाटन की विधि कर रहे थे, तो मोबाइल से फोटो ले रही थी। मैं हैरान था, इतने दूर दरार के क्षेत्र में मोबाइल से फोटो ले रही है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा फोटो लेके क्या करोगी? तो बोली डाउनलोड करेंगे। ये शब्द सुनकर के मैं सचमुच में सरप्राइज हुआ था मुझे कि ये ताकत है हमारे देश के गांव में।